आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की आपकी टेबल पे एक कॉलम पे लगाया जाता है और उस कॉलम को हम देखिए, ए टेबल टिपिकली हैज अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट कंटेन्स वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। एक टेबल के अंदर एक कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऐसा होता है जिसके अंदर आप सिर्फ यूनिक वैल्यू डाल सकते हो, इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते हो, जिसके अंदर आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे कॉलम को प्राइमरी की कॉलम कहते हैं। वापिस बताऊं, एक ऐसा कॉलम आपकी टेबल में जिसमें ना तो डुप्लीकेट वैल्यू जाएगा ना उस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हो, उस कॉलम को हम लोग प्राइमरी की कॉलम कहते हैं। प्राइमरी की कॉलम बनाया कैसे जाता है? प्राइमरी की कॉलम आप दोनों तरीके से बना सकते हो, या तो आप GUI के थ्रू या फिर आप SQL के थ्रू। मैं पहले आपको SQL के थ्रू बना के दिखाता हूँ। एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल TVL _ क्लास ID बिगिन आइडेंटिटी 1,1 प्राइमरी की। हम एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट PK क्लास प्राइमरी की, CNAME varchar 10। ये मैंने एक क्लास बना, टेबल बनाई TVL क्लास, जिसके अंदर मैंने एक ID कॉलम को, जो का नॉर्मली आइडेंटिटी कॉलम है, उसको मैं, उसके लिए मैंने एक लिया कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कीवर्ड होता है, उस कॉन्स्टेंट को मैंने नाम दिया और किस तरह का कॉन्स्टेंट है, ये प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है। और दूसरा कॉलम मैंने CNAME ले लिया। इस तरीके से हम लोग प्राइमरी की कॉलम बनाते हैं हमारे किसी भी टेबल के अंदर। एक सिंटेक्स तो यही था, एक सिंटेक्स। दूसरा जो होता है क्रिएट टेबल TVL _ क्लास ID बिगिन क्लास 1 बना देता हूँ मैं, आइडेंटिटी 1,1 और प्राइमरी की CNAME varchar 50। एक सिंटेक्स मेरा ये होता है प्राइमरी की बनाने का। इसमें मैंने कॉन्स्टेंट नहीं लगाया, डायरेक्ट प्राइमरी की लिखा है। अगर आपको बिना कॉन्स्टेंट लगाए प्राइमरी की लिखते हो तो SQL अपने आप इस पर एक कॉन्स्टेंट बना देगा। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको कभी इस प्राइमरी की को डिलीट करना हो तो आप क्वेरी के थ्रू आपको पता नहीं चलेगा कि भैया मैंने किस नाम से कॉन्स्टेंट बनाया था, तो आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे सिंटेक्स होता है प्राइमरी की बनाने के टेबल के थ्रू। अब सपोज कीजिए मैं इस टेबल को बिना प्राइमरी की के बनाता हूँ, जो मेरी दूसरी वाली टेबल थी। मैंने इसी टेबल को बिना प्राइमरी की के बनाया। अब मुझे बाद में अगर प्राइमरी की ऐड करना हो तो मैं कैसे ऐड करता हूँ? मैं लिखूँगा ऑल्डर टेबल TVL _ क्लास 1 ऐड कॉन्स्टेंट PK1 प्राइमरी की, ब्रैकेट में लिखा मैंने ID कॉलम। ऑल्टर के थ्रू हम लोग इस तरीके से कॉन्स्टेंट बना सकते हैं। मैंने ऑल्टर किया टेबल को, उसके अंदर ऐड कॉन्स्टेंट किया, कॉन्स्टेंट को नाम दिया, किस तरह कॉन्स्टेंट है प्राइमरी की और किस कॉलम में बनाना है वो नाम मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया इसके अंदर। आए समझ में? ये तीन सिंटेक्स होते हैं हमारे टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाने का। पहला डायरेक्ट कॉन्स्टेंट लिखा, PK क्लास दिया क्रिएट के टाइम पे ही। दूसरा कॉन्स्टेंट का नाम नहीं दिया, डायरेक्ट प्राइमरी की लिखा। तीसरा मैंने प्राइमरी की टेबल क्रिएट करते हुए नहीं बनाई, बट ऑल्टर करके मैंने प्राइमरी की बनाई। अब यही सिंटेक्स हम वहाँ कैसे बनाते हैं, क्या नाम आपके टेबल क्रिएट करते वक्त। मैं टेबल दोनों तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से टेबल क्रिएट कर देता हूँ ID बिगिन, देन उसके बाद ST नेम या CNAME ही ले लेता हूँ मैं वापस, varchar 50। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, सेट प्राइमरी की, बंद किया, यस किया, TVL क्लास। इस तरीके से भी हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये चार सिंटेक्स होते हैं हमारे प्राइमरी की बनाने के।